अगर अपने बेटे को बाहर निकालना चाहती हो तो तुम्हें मेरे ऑफिस आना होगा और वही करना होगा जो मैं कहूँ। कितनी सती सावित्री क्या दिखती है, और देखो पति को बेचने निकली। ऐसी औरतें लूटते हैं अपने आदमियों को। आज ऐसे हस्बैंड ना हुआ, बिजनेस डील हुई। कम ऑन शुभ्रा, सॉफ्टिंग भी नहीं लोगी। नजर आ रहा है सब कुछ मुझे शुभ्रा, इतनी अकल है कि सच और झूठ में फर्क समझ सको। सॉरी 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 कहो तो मैं 100 बार बोल दूं। आखिर चाहती क्या हो तुम शुभ्रा? हो गई गलती। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हारी नजरों में मैं गुनहगार थी या नहीं? हाँ, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो वो भी यही सोचता। सैम की बेइज्जती इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चों की मां। लेकिन जिस दिन तुम्हारी एक घटिया सोच का असर मेरे बच्चों के दिमाग पर पड़ा ना, तुम्हारे साये से भी दूर कर दूंगा उन दोनों को। हाय दया, इन्होंने तो अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया। मतलब आप जीत गई दीदी, या फिर इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुलदीप भैया के सामने कुछ बोलने की, या फिर कुलदीप भैया ने इनकी बात तो कब भरोसा ही नहीं किया। रीजन चाहे कुछ भी हो, शुभ्रा इतना तो समझ गई कि हारी हुई बाजी भी पलट सकती है समायरा। तुम जाओ, शुभ्रा से मुझे कुछ बात करनी है। इनफैक्ट अपने कानों से सुनना है कि सैम तुम जीत गई और मैं हार गई। ठीक है। कहीं जा रही हो? लगता है कुलदीप ने फिर से तुम्हारी बात अनसुनी कर दी। लगता है इस फिक्र ने तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी झुर्रियां भी दे दी कि पता नहीं क्या कुलदीप में और शुभ्रा में बात हुई होगी। वैसे भी जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और फरेब पे टिकी हो, वो कितना टिकेगा या नहीं इस बात की फिक्र तो होगी। तुम तो सच्चाई की देवी हो ना, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ जो सामान पैक करने की नौबत आ गई? वैसे तुम आई तो बड़े जोश में थी, एकदम शानदार बैट्समैन की तरह चौके छक्के लगाने। पर सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम 0 पे आउट हो गई। पुअर शुभ्रा। बट आई एम ग्लैड कि तुमने हार मान करना जल्दी रिटायर होने का फैसला ले लिया। इट्स अ गुड डिसीजन। हार और जीत के मायने तुम्हारे और मेरे लिए बहुत अलग है समारोह। रिश्तों की जीत को मैं जीत समझती हूँ, और अगर हार भी जाऊं तो मेरे पास अपने लोग हैं संभालने के लिए। लेकिन जिस दिन तुम्हारे रिश्ते का झूठ बाहर निकल के आएगा ना, उस दिन तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। तुम बिल्कुल अकेली पड़ जाओगी। अगर अकेली पढ़ भी गई ना तो भी फाइनेंशियली किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे मुझे।
लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे बिना कुलदीप की दया के जी नहीं सकोगे। और अगर आज वो इस लायक है तो मेरे कारण। इसका मतलब समझ रही हो ना तुम? इनडायरेक्टली तुम सब मेरी दी हुई भीख के सहारे जिंदा रहोगे। बट डोंट वरी, तुमने दिमाग से काम लिया है। जो हार मानकर वापस जा रही है, इसीलिए मैं कुलदीप को कन्विंस कर लूंगी कि वो तुम्हें पैसे भेजता रहे। हाँ, टेक केयर शुभ्रा, सी यू अगेन, नेवर। आंटी जी, माता जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि वेदिका समझती है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो एक सितारा बन चुकी है और आसमान में चमक रही है। कैसे बताता उसे कि एक नन्ही सी जान को छोड़कर चली गई थी वो औरत। अब मुंबई जाकर फिर से मीरा का सामना करना, मतलब फिर से उन तकलीफ दे यादों को ताजा करना, अपनी बेटी की आंखों में झूठा साबित होना। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। I'm sorry. सबूत ने तो साथ देने से इनकार कर दिया। अब
आई आप ठीक तो हो ना? रावण आंटी ने आपको परेशान तो नहीं किया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने पापा से प्रे किया था मेरी आय का ध्यान रखना, और पापा ने मेरी राजा बेटी की बात सुन ली। पता है मम्मा, आपने कितना मजा किया, इतना सारा, बहुत सारा घूमे और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी खाई। और पता है मम्मा, अमोल और पापी को वीडियो कॉलिंग करने के बाद बहुत सारे टॉयज दिखाए। पता है प्रॉपर्टी का मुंह तो इतू सा हो गया था, और वो अमोल बार बार मेरी आइसक्रीम को ही घूरे जा रहा था। रोली, तुमने शूज नहीं उतारे, इधर आओ, चल बैठो, नीचे बैठो। मम्मा, आज के दिन तो मेरा बेस्ट दिन था। पापा, हम फिर से कब जाएंगे? बहुत जल्दी। हाय, आज बहुत मजा आया। पापा भी बहुत अच्छे मूड में थे, जैसे पहले होता था ना वैसे। अगर वो हमारे साथ हमेशा ऐसे होंगे तो कितना अच्छा होगा ना। आई मम्मा, अगर आप भी हमारे साथ आते तो कितना मजा आता ना। तुम लोग को मजा आया ना? चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और टॉयज अंदर रखो। चलो चलो चलो। कुलदीप, बात करनी है तुमसे। शुभ्रा, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज अब फिर से तुम्हारे साथ लंबी चौड़ी बहस करने का कोई मतलब मूड नहीं है, ना ही मेरे अंदर हिम्मत बची हुई है। रोली, क्या हुआ? ऋषि बोल रहा कि हम वापस पूना जा रहे हैं अपने घर। सच्ची मम्मा? हाँ बेटा, तो पूना तो जाएंगे ना हम अपने घर, वहाँ दादी, आजी, अजूबा, संजना आंटी सब मिस कर रहे होंगे ना। करने दो, लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर से अपने स्कूल जाऊंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा। रोली, तुझे अपने स्कूल नहीं जाना? जाना है, लेकिन यहाँ वाले स्कूल में। मम्मा, मुझे अब बहुत मजा आ रहा है, हम यही रह जाते हैं ना, प्लीज। इतना एंजॉय किया आज हमने पापा के साथ, नेक्स्ट टाइम आप भी चलना, आपको भी बहुत मजा आएगा। तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, लेकिन ये घर तो हमारा नहीं है ना रोली। किसी और के घर में हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? पापा भी तो यहीं रहते हैं, तो बस मैं भी यहीं रहूंगी पापा के साथ। रोली, मेरी बात सुन बेटा। नहीं सुनूंगी, और जाऊंगी भी नहीं आपके साथ, पापा के साथ ही रहूंगी। रोली, तो टीम सीता में है ना, तो तुझे हमारे साथ अयोध्या चलना पड़ेगा। चल। नहीं जाना। बोलो चलना। नहीं जाना, बोलो ना। चल। रोली। रोली, क्या कर रही है? Thank you.
बात नहीं, रोली तो कुछ भी बोलती है। जब उसको पता चलेगा ना रावण आंटी कितनी बुरी है तो भाग के आएगी हमारे पास। एक घंटे में टैक्सी आ जाएगी। मैं चाहे रोली को उठा के ले जा रहा हूँ लेकिन हम जाएंगे, पुणे जरूर जाएंगे और आज ही जाएंगे। तुम्हारी एक गलत चाल तुम पर भारी पड़ गई सैम। चेक एंड मेट। नो कुलदीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। यही बताना होगा मैं जा रही हूं वापस। वेल, इतने अच्छे काम में तो जरूर सपोर्ट करूंगी मैं। बोलो। मैं और बच्चे एक मिनट। जी शुभ्रा, शुभ्रा, शुभ्रा वही रुक, निकलना नहीं मुंबई से। बस मैं तो अब उत्तर ध्यान से सुन, तुझे हार के नहीं जीत के जाना है वहां से। देख, उस चुड़ैल का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए मेरा हुकुम कब पहुंच रहा है मुंबई? कभी भी आता होगा, ले अभी बजेगी घंटी। बस इस वक्त कौन हो सकता है? हम देखते हैं। वही होगा, दरवाजा खोल। और सुन सुन, मैं फोन रखती हूँ, तू मुझे फोन करके बता ये क्या हुआ। ठीक है पुत्र, रब रखा। सैम कौन है ये? तुम जानती हो उसे? तुम बताओगी या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। मैं दोस्त से थोड़ा ज्यादा हूं, पति से थोड़ा कम, है ना मीरा? अनंत, अनंत तू इसे भेजा है पीजी, लेकिन इसके आने से क्या होगा? पता नहीं कौन है। जमाना बीत गया मगर तुम जरा भी नहीं बदली मीरा।
अरे क्या हो रहा है ये? अरे छोड़ो उसे, दम घुट जाएगा इसका। Give her some space। अब ऐसे भी ये समय रहा है मीरा ने। लेकिन मेरे और मीरा के बीच में आने वाले तुम कौन हो? समझ गया, तुम इसके हस्बैंड हो, राइट? लेकिन जिस मीरा को मैं जानता हूं वो तो शादी के बंधन में बिलीव ही नहीं करती। Am I right? मीरा,